नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे शो में जिसका नाम है सॉल्यूशन। दर्शकों, गणेश जी विघ्न विनायक हैं। भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी का ध्यान किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो किन किन बातों का ध्यान रखकर आप गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे हमारे स्पेशल शो सॉल्यूशन में। दर्शकों, आज हमारे शो में दवेरी फेमस निर्मला सेवानी जी रहेंगी, जो कि आपकी समस्याओं का समाधान करेंगी। निर्मला जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। निर्मला जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, भगवान गणेश जो है उनकी पूजा का आध्यात्मिक महत्व क्या है? देखिए, वैसे तो उसका धार्मिक महत्व ये है कि वो विघ्न हरता हैं, विघ्न के नाशक हैं और सर्वविध मंगल देते हैं, है ना। इसलिए हम गणेश पूजा तो हर आराधना के पहले करते हैं, और उसके दो आध्यात्मिक महत्व हैं और साइंटिफिक महत्व भी हैं। देखिए, पहला महत्व ये कि वो माँ पार्वती के मैल से बने थे, है ना। तो इसका मतलब इस मिट्टी से ही सब बने हैं और इस मिट्टी में ही लीन हो जाएंगे। जो हम गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी की आराधना करते हैं, उसमें उनका ये महत्व है ना। दूसरा ये कि आप देखिए कि क्योंकि प्रभु जो है वो रोशनी है जो पूरी कायनात में फैली और हम में भी बसते हैं, तो जो सृजन प्रभु के हाथ में है, तो जब वो उनकी, तुमने ये स्टोरी सुनी है ना कि वो पार्वती जी की नहाने गई थी तो वो उनकी पहरा दे रहे थे, तो शिव जी आए गुस्से में और उन्होंने उनको मुंडी हटा दी, है ना, जो सिर है, और उसके बाद वो हाथी का सिर लगा। तो इसका मतलब देखिए, प्लास्टिक सर्जरी की जो व्युत्पत्ति हुई वो उस थॉट से हुई कि आप किस तरीके से उस अंग को जोड़ सकते हैं, इस तरीके की वो मेथोलॉजी से हमारे दिमाग में थॉट आते हैं, तो उसका ये साइंटिफिक महत्व है। और दूसरा जो महत्व होता है कि देह जो है वो हमेशा अपना रूप बदलती है, तो जब प्रभु भी आकार रूप में आते हैं तो हम उनको प्रतिस्थापना देते हैं चतुर्थी पे और अनंत चतुर्दशी पे उनका विसर्जन कर देते हैं। तो माने जो पैदा हुआ है वो जरूर नष्ट होगा, ये संदेश उसका आध्यात्मिक है। किसी भी विसर्जन परंपरा का मतलब ये है। तो चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी की आराधना की आध्यात्मिक सामाजिक सरोकार ये है कि उत्सवों से हम पहले तो एंटरटेनमेंट के कोई साधन होते नहीं थे, तो हम लोग इकट्ठा हो जाते थे मोहल्ले में, वो मूर्ति प्रतिष्ठित होती थी, तो इंटरेक्शन रहता था। तो सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सारे सरोकार हैं ये चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी। जी निर्मल जी, आगे बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, रजनी है श्री गंगानगर से। रजनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में भी पूछना चाहती है उनकी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 9/9/1982। ठीक है, सवाल पूछे। सुबह 11:15 पंजाब अबोहर का जन्म है जी। उनकी अभी, उनकी शादी को 4.5 साल हो गए, अभी तक कोई संतान नहीं हुई, 7वें बरस में होगी उसकी जो कंसेप्शन होगा उनकी वाइफ का, वो नेक्स्ट ईयर अक्टूबर के बाद हो जाएगा 2017। तो 18 में 7वां बरस जब चल रहा होगा तो उनको बेबी हो जाएगा। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या, उस समस्या का समाधान आप जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निर्मला जी, आपने ये तो बता दिया कि गणेश पूजा का क्या आध्यात्मिक महत्व है, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि गणेश चतुर्थी जो है वो क्यों मनाई जाती है, क्या महत्व है उसका? क्योंकि भगवान गणपति पैदा हुए थे ना, इसलिए मनाते हैं जी। और खुशी, अलौकिक, अद्भुत, विघ्ननाश, विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता हैं और मंगल कार्यों के करने वाले प्रतिष्ठित होंगे। जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? कृष्णा पैदा हुए तो ऐसे गणपति पैदा हुए, इसलिए मनाते हैं। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, प्रमोद जी हैं सऊदी अरब से। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आप जिसके बारे में भी पूछना चाहते हैं उनकी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। पूछना तो मेरे लिए चाहता हूँ, मेरे पास जन्म तारीख नहीं है। अच्छा, तो आप कितने बरस के हैं प्रमोद जी, वो बता के फिर पूछ लीजिए। मैं करीबन 32 साल का हूँ। ठीक है, सवाल पूछे। अपना सवाल पूछिए प्रमोद जी।
एक तो धंधा, ये धंधा पानी नहीं होता है। क्या काम करते हैं आप? मैं पेट्रोल पंप पे गाड़ी चलाता हूँ। तो ये तो नौकरी हुई ना, वो तो आप करते ही हैं। क्या करना चाहते हैं और हमें बताइए। देखिए, अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वो 37 साल से लेके फिर 10 साल अच्छे हैं, 47 तक अच्छी रहेगी, पर उस समय भी आप नौकरी ही करते होंगे, अपना काम शायद ही कर पाए, पर वो अच्छे वक्त है तो फाइनेंशियली काफी ग्रिप रहेगी। तो दर्शकों, अगर आप भी प्रमोद जी की तरह अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निर्मला जी, आपने ये तो बता दिया कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, लेकिन मैं आपसे अब आपसे जानना चाहूंगा कि अनंत चतुर्दशी जो होती है, उस दिन क्या क्या करना चाहिए, जितने भी जो लोग पूजा करना चाहते हैं उन्हें? जो जब हमने प्रतिस्थापना की है चतुर्थी को, तो जो 10 दिन होते हैं वो उत्सवमय होते हैं, तो प्रभु को भोग लगता है। महाराष्ट्र में हमारी ये उत्सव ज्यादा अच्छे से मनाया जाता है, तो वो लोग बहुत मानते हैं, और वो मंगलवार का दिन इनके लिए नियुक्त करते हैं, बुधवार का नहीं करते हैं। तो ये उनके अपने भाव हैं, तो वो उनको भोग लगाना है, पूजा अर्चना करना है, स्तुति करना है, मंत्र पढ़ना है, ताकि वो जो संकल्प लेके बैठे वो पूरा हो। तो अनंत चतुर्दशी पे विसर्जन की परंपरा होती है वहाँ पे, तो वो उस मूर्ति को गाजे बाजे से जैसे लाए हैं, वैसे ही गणपति को वहाँ विसर्जित करते हैं। क्यों विसर्जन की परंपरा है? जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो चीज़ आई है शाश्वत नहीं है, तो अगर प्रभु भी शेप लेंगे तो वो मर्जर होगा। कहाँ? पांच तत्व में ये, और प्रकाश जो है वो रीशेप लेगा। तो हर बरस आए और हमारी संकल्प और मनोरथ को सिद्ध करके वापस चले जाए, ये हमको संदेश देती है अनंत चतुर्दशी, इसलिए मनाई जाती है। और उस दिन पूजा अर्चना तो अपने भाव से की जाती है, जिसको जैसे चाहिए वैसे करे। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, बांसवाड़ा से खुशबू हैं। खुशबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में भी पूछना चाहती हैं, उनकी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ उनका 25 जुलाई 72। सवाल पूछे मैम। उन्होंने पैसे दे रखे हैं और पैसे आ ही नहीं रहे हैं, और धंधा भी नहीं चलता उनका, तो पैसा आएगा या नहीं आएगा? मुझे लगता है कि 60% ही आएगा, और वो इन टाइम आ जाए। उसके लिए मैं छोटा सा उपाय बताती हूँ, केसर वाली बर्फी को थर्सडे को दान करें, तो थोड़ा सा चैनलाइज हो जाएगा और आ जाएगा। जी निर्मला जी, अभी अभी आपने बताया कि अनंत चतुर्दशी, और या फिर मैं कहूँ गणेश जो महोत्सव होता है, उन दिनों जो प्रतिष्ठा की जाती है मूर्ति की, खासतौर पर हम जिन्हें कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, तो किस तरह की जाती है, वो जानना चाहूँगा आपसे। प्राण प्रतिष्ठा तो बेटा, जब अगर हम किसी मूर्ति की करते हैं तो उसमें मतलब प्राण डाल रहे हैं, जागृति कर रहे हैं, तो उसको फिर हर समय पंचोपचार पूजा करनी पड़ती है। जैसे कि तुमको हर दिन खाना भी चाहिए, नहाना भी चाहिए, और सब कुछ चाहिए, तो इतना सब हर घर में नहीं कर पाते, और कई बार हम लोग बाहर भी चले जाते हैं। तो प्राण तो मूर्ति में नहीं डालने चाहिए, मंदिरों में ही प्राण प्रतिष्ठा हो तो ठीक है, पर प्रतिस्थापना जो है वो कर सकते हैं आप अपने घर में मूर्ति की। उसमें फिर कोई जरूरी नहीं है कि आप डेली भोग लगाएं, या जैसे जब मन करे जब आराधना कर सकते हैं प्रभु को खुश करने के लिए, या अपनी शांति के लिए, या अपने आसपास को सुंदर बनाने के लिए। तो प्राण नहीं डालने चाहिए घर की मूर्तियों में, तभी डालने चाहिए जब आपको लगता है कि उसका कोई, जब पहले तो जॉइंट फैमिली होती थी तो घर के बाहर मंदिर होता था, तो प्राण भी डाल दिए जाते थे, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई मौजूद होता था उनकी टेक केयर करने के लिए, है ना। ये आस्था से जुड़ी बात है, तो प्रतिष्ठा करनी चाहिए मूर्ति की, और अपने भाव से उनकी आराधना करिए, अर्चना करिए, कौन मना करता है। जी निर्मल जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब भी कोई भी व्यक्ति नया घर बनाता है तो गणेश जी की स्थापना की जाती है मुख्य द्वार पर, तो आपसे जानना चाहूंगा मुख्य द्वार पर ही करना उचित है जो स्थापना की जाती है वो, और या फिर वहां पर अगर नहीं की जाती है मुख्य द्वार के अलावा, तो कहां पर और कौन सी दिशा में की जा सकती है स्थापना? देखिए, दो जगह, जब भी कोई गृह प्रवेश होता है हम हिंदू मैथोलॉजी में गणेश को मुख्य द्वार पे इसलिए बिठाते हैं कि जितनी भी विघ्न है, जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी संकट है, वो सब घर के बाहर रह जाएं, है ना, गणपति उसको वहीं खत्म करें, और हम जो है मंगल, सर्विद मंगल के साथ अपने घर में प्रवेश करें, तो इसलिए मुख्य द्वार पे बिठाया जाता है। तो वहाँ पे तो केवल हाथ जोड़ने चाहिए, क्योंकि वहाँ तो वो बैठ जाते हैं, है ना, प्रतिष्ठित हो जाते हैं, और अंदर जो मंदिर होता है वहाँ पे गणपति होंगे, क्योंकि मंगल करने वाले हैं, और हमारी आराधना में सब देवों की आराधना
गणपति की आराधना के बाद होती है, बिल्कुल है ना? तो इसलिए वो मेन मंदिर में भी गणपति की मूर्ति होती है और वहीं प्राण डलते हैं और वहीं उनकी आरतियां और जो भी भोग वोग लगते हैं पूजा होती है। तो दो तो प्रतिमाएं हर हिंदू घर में होती हैं गणपति की, चाहे वो किसी भी पीठ को मानता हो, चाहे वो शक्ति पीठ को मानता हो, वो जो चाहे शिव पीठ को मानता हो, चाहे विष्णु पीठ को मानता हो, पर गणपति तो हर जगह अवेलेबल होते ही हैं। निर्मल जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, चंद्र हैं अजमेर से। चंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में भी पूछना चाहते हैं उनकी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल कीजिए। अपने बारे में पूछना चाहता हूँ, मेरा जन्म का डेट है 1st January 1974। अपना सवाल कीजिए चंद्र जी। 1st January 1974। ठीक है चंद्र, सवाल पूछो तुम। सवाल ये, मैं बहुत टाइम से बाहर रह रहा हूँ, मैं इधर फ्लैट उबाऊंगा। यहाँ पे या वहाँ पे? यहाँ पे आप आएंगे 2020 के बाद वापस आ जाएंगे आप, पर अभी भी 4 से 5 साल बाहर रहेंगे, उसके बाद यहाँ सेटल होंगे बिजनेस में। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है और समस्या का आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा कि हम गणेश जी की पूजा अर्चना की बात कर रहे हैं, तो जो भी व्यक्ति गणेश जी की पूजा अर्चना करता है, क्या उसे भी कंपलसरी है कि वो पूरे शिव परिवार की पूजा करे? नहीं, कंपलसरी तो कुछ भी नहीं होता, आपके भाव होते हैं जी। प्यार करना इंसान को इंसान, वो कंपलसरी है जी। शिव आराधना इसलिए कि वो हम लोग परिवार में जीते हैं, तो ये संदेश देता है कि देखिए परिवार की क्या अहमियत है। तो शिव परिवार की प्रतिस्थापना का यही मतलब होता है कि देखिए मम्मी भी हैं, डैडी भी हैं, भाई भी है, कार्तिकेय और गणपति भी हैं, और तो और एक परिवार आपका केवल इंसानों से नहीं बल्कि आपके जानवरों से भी बनता है, तो वो नंदी भी होते हैं, है ना। तो हमको अपनी पशुपालन को हम रेस्पेक्ट देते थे, वनस्पति को हम रेस्पेक्ट देते थे, तो वो सब भी वहाँ वही होते, बेलपत्र भी चढ़ेगा। इसके मतलब है, इसके ये मतलब है कि जीवन कितना उमंग भरा, कितना सुंदर होता है और परिवार उसकी स्ट्रेंथ होता है, इसलिए शिव परिवार की आराधना करनी चाहिए। बाकी तो आपका मर्जी, कंपल्सरी नहीं है जी। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, ज्योति हैं श्री माधोपुर से। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में भी पूछना चाहती हैं उनकी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल कीजिए। ज्योति जी, अपना सवाल कीजिए। इधर आ, इधर आ, इधर। ज्योति जी, अपना सवाल कीजिए। लगता है कि निर्मला जी तकनीकी कारणों के चलते उनका संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है। दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त तो चला है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं, कहीं मचाइएगा।